Good morning, students. I hope you all are well at home. Today we are going to read chapter number 16, Gifts of Nature. Nature ने हमें बहुत ही beautiful gifts दिए हैं. आज उसके बारे में पढ़ेंगे. So this is an activity and you have to do it yourself. That is, underline the objects given to us by nature and circle the man-made ones. So let's start reading. The earth is beautiful. It has air, water, soil, forest, plants and animals. All these are called resources. Earth बहुत ही beautiful है और इसने हमें resources दिए हुए हैं. For example, air, water, soil, forest, plants and animals. A resource is something that is useful to us. Resources that exist in nature are called natural resources. रिसोर्स वो चीज़ है जो हमारे लिए यूज़फुल होती है और नेचर में बहुत ही रिसोर्सेज हैं दैट आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्ज़ाम्पल एयर वाटर सॉयल फॉरेस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. बिल्डिंग्स हाउसेज क्लोथ्स एंड कार्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. दे आर मैन मेड रिसोर्सेज. मैन-मेड रिसोर्सेज कौन से हैं जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग्स हाउसेज क्लोथ्स एंड कार्स. नेक्स्ट इज एयर. एयर इज ऑल अराउंड अस. लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ. एयर हमारे आसपास है. सभी लिविंग थिंग्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स इनको ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए एयर. Next is plants make their food with the help of carbon dioxide contained in air. जो plants है वो अपना food prepare करते हैं with the help of carbon dioxide. Next is fishes use the air mixed in water to breathe. Thus all living things need air to breathe. जो fishes हैं वो water में जो air mix होती है उससे के हेल्प से ब्रीथ करते हैं और सभी लिविंग थिंग्स को नीड एयर टू ब्रीथ. सो एयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. वी शुड टेक केयर नॉट टू पोल्यूट इट. हमें एयर को बहुत ही ध्यान से इसकी टेक केयर करनी चाहिए. वी हैव टू नॉट पोल्यूट इट. इस पिक्चर में आप देख रहे हो ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन पीपल इन सम सिटीज़ हैव टू वियर अ मास्क. क्योंकि आज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एयर पोल्यूशन, तो इसकी वजह से कुछ सिटीज़ में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं वियर मास्क. नेक्स्ट इज वाटर. दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर. हाउ डू यू फील व्हेन यू डू नॉट ड्रिंक वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर आप काफ़ी टाइम से पानी नहीं पियोगे तो क्या कैसे फील करोगे. यू फील थर्स्टी. आपको क्या लगेगी प्यास. सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. नेक्स्ट इज वाटर इज प्रीशियस. मैनी पीपल इन आवर कंट्री वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट वाटर. इवन इन मैनी टाउन्स एंड सिटीज देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर. आपको पता है कि आपकी कंट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत दूर से पानी को लाना पड़ता है और कुछ टाउन्स और सिटीज़ में पानी की क्या हो रही है शॉर्टेज. पीपल देन हैव टू बाय वाटर. वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर. हमें अपने वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. फर्स्ट इज़ जो पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए दैट इज़ रिमेंबर टू टर्न ऑफ टैप्स आफ्टर यूज़. यूज़ करने के बाद टैप्स को क्या करना है टर्न ऑफ. नेक्स्ट इज व्हेन इट रेन्स कलेक्ट रेन वाटर इन लार्ज वेसल्स. दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स. डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर. जब रेन होती है तो रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए लार्ज वेसल्स में और फिर इसको यूज़ करना चाहिए फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. लेकिन ये पानी पीना नहीं चाहिए. नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स है सॉयल. सॉयल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज़ मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स.
जो अर्थ सरफेस की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, सॉयल। और ये किससे बनी होती है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वाटर एंड एयर आर आल्सो अ पार्ट ऑफ सॉयल। ये वाटर और एयर सॉयल के क्या हैं, पार्ट्स। सॉयल टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। सॉयल को बनने के लिए कितना टाइम लग जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ सॉयल। सॉयल के क्या यूजेस हैं, प्लांट्स ग्रो इन सॉयल। सॉयल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एयर टू द प्लांट्स। इट आल्सो बाइंड्स द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। सॉयल में क्या ग्रो करता है, प्लांट्स। सॉयल ये सारा कुछ प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एयर। नेक्स्ट इज मैनी एनिमल्स इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स लिव इन द सॉयल। आपको पता है कि सॉयल में बहुत सारे एनिमल्स इंसेक्ट्स और वॉर्म्स रहते हैं। रैबिट्स मेक बुरोज इन द सॉयल एंड आंट्स मेक आंट हिल्स। अर्थवॉर्म्स मेक द सॉयल रिच एंड फर्टाइल। जो अर्थवॉर्म होती है वो सॉयल को क्या बनाती है, रिच एंड फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द सॉयल। तो इसलिए अर्थवॉर्म्स को क्या कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ द सॉयल। सो इसमें इस पिक्चर में देखिए कि अर्थवॉर्म्स हेल्प्स टू मेक द सॉयल फर्टाइल। जो ये अर्थवॉर्म्स होती हैं ये सॉयल को क्या करती हैं, हेल्प करने में, फर्टाइल। नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमने नेचुरल रिसोर्सेज की टेक केयर कैसे करनी है। व्हेन ए रिसोर्स बिकम्स इम्प्योर इट इज़ सेट टू बी कंटामिनेटेड और पोल्यूटेड। जब कोई भी रिसोर्स इम्प्योर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कंटामिनेटेड और पोल्यूटेड। यू हैव रेड इन चैप्टर 7 हाउ वाटर एंड एयर कैन गेट पोल्यूटेड। आपने चैप्टर 7 में आपने देखा होगा कि वाटर और एयर कैसे पोल्यूट होते हैं। सो लेट अस नाउ रीड हाउ सॉयल गेट्स पोल्यूटेड, कि सॉयल भी कैसे पोल्यूट हो रही है। फर्स्ट इज सॉयल पोल्यूशन। सॉयल गेट्स पोल्यूटेड व्हेन पीपल डंप वेस्ट लाइक पॉलिथीन बैग्स इन इट, यूज टू मैनी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप्स। जो सॉयल है वो कैसे पोल्यूट हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीपल हैं वो जो वेस्ट हैं वो प्रॉपर कवर्ड डस्टबिन में नहीं फेंकते, इधर उधर फेंक देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पॉलीथीन बैग्स। नेक्स्ट इज जब क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, इससे भी क्या होती है, सॉयल क्या होती है, पोल्यूट। नेक्स्ट इज वेज टू कंट्रोल सॉयल पोल्यूशन। अब सॉयल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, दैट इज़ सॉयल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय फर्स्ट इज थ्रोइंग गार्बेज इंटू कवर्ड बिन्स। नेक्स्ट इज सेकेंड वन यूजिंग नेचुरल फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप्स। सो दीज आर द वेज हाउ वी कैन कंट्रोल टू द सॉयल टू बी पोल्यूटेड। सो नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज आर अ गिफ्ट ऑफ नेचर, वी शुड यूज दम वाइजली। सो इसीलिए नेचर ने हमें बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स दिए हुए हैं, दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमने अभी रेड किए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉयल। सो हमें इनको बिल्कुल वाइजली यूज़ करना चाहिए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। योर होमवर्क इज़ टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। बाय, थैंक्स।